इतने कार्यकर्ता है भाजपा के, कम से कम आपकी 1 लाख वोट से जीतेंगे यहाँ संगमलाल, रामपुर से केवल बढ़त लेंगे 1 लाख वोट। इंडिया गठबंधन भी तो है मजबूती से खड़ी है रामपुर खास में, विधायिका मोना जी भी ताव भर रही हैं कि हम यहाँ से जिता के दे रहे हैं। नहीं वो कुछ नहीं, वो बाहरी हैं, वो 18 साल यहाँ के एमएलपी रहे, कहीं भी कभी दिखाई नहीं, कोई कार्य नहीं किया 18 साल में। जो प्रत्याशी एमएलपी यहाँ रह चुके हैं उनके बारे में सब जानते हैं, अभी तक वो केवल सिंह लिखते थे, अब चुनाव आ गया तो पटेल लिखने लगे हैं। पिछड़ों को ही काटने में सारी पार्टियां लगी हैं कि पिछड़ों को अपनी तरफ ले आई। कोई कटा उठा नहीं है, सब संगम लाल जी के साथ में है और सब भाजपा के साथ में है। ये बात कर रहा हूँ रामपुर खास की, तो क्या आप ये मतलब संतुष्ट हैं कि यहाँ का पिछड़ा है साथ? नहीं, रामपुर खास में तो पिछड़ा नहीं, वहाँ यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा जितने भी हैं सब संगम लाल जी के साथ हैं। चुनाव में अहम बात ये होती है कि जब वोटर निकल के आए और हर बूथ से निकल कर वोटिंग करे, वो बड़े मायने की बात होती है और इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जितना प्रचार प्रसार प्रत्याशियों को अपने चुनाव चिन्ह बताने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा प्रचार प्रसार, उससे ज़्यादा मेहनत वहाँ के बूथ प्रभारियों को करनी पड़ती है कि वो वोटरों को निकाल के लाएँ। इसी समय मैं मौजूद हूँ धारूपुर ग्राम सभा में, यहाँ जलेसंग बाजार है, पुरानी बाजार है और यहाँ का माहौल जानने के लिए हम आए थे, तो हमें यहाँ के जो मंडल प्रभारी हैं वो भी मिल गए, ब्लॉक प्रमुख जी और यहाँ के जो जिला उपाध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग से, वो भी हमें मिल गए। तो इन लोगों से जानेंगे कि आज अब माहौल क्या है यहाँ पर, किस नज़रिए से यहाँ की जनता देख रही है बीजेपी को। नज़रिए से देख रही बीजेपी तो बहुत काम कर रही है ना, काम के नज़रिए से देख रही है, काम बहुत कर रही है बीजेपी, काम में कोई तो कमी है नहीं राष्ट्र के उस पर। देखिए काम में कमी नहीं है, लेकिन जो काम करता है बदनाम भी होता है, उसी के ऊपर आरोप भी लगते हैं और उसी को विपक्ष मुद्दा भी बनाता है। नहीं बदनाम तो कहीं है नहीं, कहीं कोई घपला तो किए नहीं, कहीं कोई घपला तो किया नहीं है अभी तक, एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं पार्टी के ऊपर, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाजपा के ऊपर, कोई बेदाग है भाजपा पार्टी तो। ये यहाँ की जनता बोल रही है? हाँ यहाँ की जनता बोल रही है। आप तो मतलब जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, मंडल प्रभारी हैं, तो काफी जिम्मेदारियां हैं, तो हर सेक्टरों पर नजर रहती है, तो क्या लगता है? हर सेक्टर नहीं, सबसे नीचे पन्ना प्रमुख हमारे यहाँ है, इतने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, कम से कम आपकी 1 लाख वोट से जीतेंगे यहाँ संगमलाल, रामपुर से केवल बढ़त लेंगे 1 लाख वोट से। इंडिया गठबंधन भी तो है मजबूती से खड़ी है रामपुर खास में, विधायिका मोना जी भी ताव भर रही है कि हम यहाँ से जिता के दे रहे हैं। नहीं वो कुछ नहीं, वो बाहरी हैं, वो 18 साल यहाँ के एमएलपी रहे, कहीं भी कभी दिखाई नहीं, कोई कार्य नहीं किया 18 साल एमएलपी, जो प्रत्याशी थे एमएलपी यहाँ रह चुके हैं उनके बारे में सब जानते हैं, अभी तक वो केवल सिंह लिखते थे, अब चुनाव आ गया तो पटेल लिखने लगे हैं, उनको कभी किसी के दरवाजे गए नहीं, कोई काम नहीं किया उन्होंने। काम नहीं किया है लेकिन उसी काम को वो मुद्दा बनाया है। फिलहाल आप यहाँ के काम को लेकर संतुष्ट हैं कि इस बार बीजेपी निकल है? एकदम पूरी तरह से कार्य अच्छे हुए हैं और इस बार भाजपा यहाँ से, मैंने बता दिया रामपुर से 1 लाख से बढ़त लेगी यहाँ पे, रामपुर से केवल, और जो आगे जाएगा आगे जाएगा। जी तो जिला उपाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं पिछड़ा वर्ग के, और जाति समीकरण भी यहाँ बनाया गया है खूब, सपा ने अपने वोट बैंक तैयार किए और यहाँ पर जो अभी बसपा आई है वो भी वोट बैंक तैयार की बात कर रही है, तो क्या लगता है पिछड़ा वर्ग कहाँ बढ़ रहा है? यहाँ हमारी धारूपुर ग्राम सभा जो है पिछड़ा बाहुल्य है, यहाँ पर हर वर्ग के लोग हैं पिछड़े में, और यहाँ से हम अपनी धारूपुर ग्राम सभा से बहुत अच्छे वोट से जीत कर भेजेंगे। पिछड़ों को ही काटने में सारी पार्टियां लगी हैं कि पिछड़ों को अपनी तरफ ले आई? नहीं, पिछड़ा यहाँ कोई कटा उठा नहीं है, सब संगम लाल जी के साथ में है और सब भाजपा के साथ में है, और भाजपा ने यहाँ बहुत से काम हाई मास्ट लाइट। यस, डॉक्टर एस पी सिंह पटेल इसी बात से खुश हैं कि उनके साथ पटेल बिरादरी है, वो अपनी बिरादरी के साथ में जा रही है। यहाँ पर उनको कोई जानता भी नहीं है कि वो पटेल बिरादरी के हैं कि कौन से बिरादरी के हैं, कभी उनका चेहरा कोई नहीं देखा है, जबकि 18 साल एमएलसी रहे हैं यहाँ से, लेकिन आज तक जो है वो जनहित में कोई काम किया नहीं है, वो अपने एमएलसी जो शिक्षक के संबंध में चाहे जो कुछ भी अपना किए हों, लेकिन यहाँ जनता के बीच में उनका कोई वो नहीं है। तो धारूपुर के साथ साथ मैं रामपुर की खास की बात कर रहा हूँ, रामपुर खास की, तो क्या आप ये मतलब संतुष्ट हैं कि यहाँ का पिछड़ा है साथ में? नहीं, रामपुर खास में तो पिछड़ा नहीं, वहाँ यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा जितने भी हैं सब संगम लाल जी के साथ हैं, सब भाजपा के साथ में। जब पिछले चुनाव में सांसद जी यहाँ से 35,000 वोट से जीते थे, तो अब इस बार जो है मान के चलिए कि 70,000 वोट से उनकी लीड पक्की है। जी देखिए, जब कोई प्रत्याशी निकलता है तो अपनी जीत पक्की करके ही निकलता है, लेकिन मैं गुरुजी से जानना चाहूँगा, क्या लगता है गुरुजी, आप तो प्रबुद्ध हैं और सब चीज़ को समझते हैं, क्या प्रत्याशी जो दावे भरते हैं हर कोई निकलता है जीत के लिए, तो क्या ये सत्यता है? नहीं नहीं, यहाँ से जो है संगमलाल जीतेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कि एक तो मंदिर के नाम पर अयोध्या जी के, दूसरी बात जो है जो ये फैसिलिटी दी गई है किसानों को, इससे
यही मुद्दा भी बना लिया है कि किसानों के लिए कुछ हो नहीं रहा है, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, खेती तैयार होती है, अंत में चर ले जाते हैं और किसान इस बार अब गुस्से में है। क्यों नहीं हो रहा है? ये जो आ रहा है ये है कि इसके चाटुकार जो हैं वो उसका फायदा नहीं पा रहे हैं, डायरेक्ट जो है खाते में आ रहा है। बता रहे हैं कि किसान के लिए खाद महंगी हो गई है, सिंचाई की व्यवस्थाएं कमजोर हो। भाई देखिए, खाद महंगी होगी, सब कुछ महंगा होगा, अब वो आयात तो भी है, आज जैसा आयात रहेगा वैसे निर्यात हो। तो आम इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग भी जुड़े हुए हैं, संगम लाल जी के साथ में जुड़े हैं तभी यहाँ खड़े हैं, तो क्या अच्छाइयाँ देखी आपने संगम लाल जी? या संगम लाल हर महीने आते हैं, दूसरे तीसरे महीने आते रहते हैं, और आज तक जितने भी सांसद हुए हैं इसके पहले, आज तक हम ही नहीं देख पाए कि कौन हुआ था यहाँ पे, नाम सुने थे बस। हरबंश मतलब मिलने जुलने से ग्राम उनका बढ़ रहा है। जी जी जी, क्या और भी कुछ कारण है? आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। तो ये जो नारा है आपकी बार 400 पार, वो सबके बीच में आ रहा है, और मेरे साथ में बुजुर्ग चचा है। चचा ये बताइए, क्या लगता है ये जो योगी मोदी जी की बात हो रही है, 400 पार की बात हो रही है, अल्पसंख्यक वर्ग किस तरफ है? देखिए भाई, 5 साल में हमको 3 बार चांस मिलता है, एक प्रधानी का, एक विधायकी का और एक संसदीय का। तो संसद में किसी के नाम पर संसदीय का वोट नहीं देता हूँ मैं, अटल जी के नाम से कब से देता हूँ आपको वो भी बता देता हूँ। नहीं, एक मिनट, शांति शांति। कब से देता हूँ? जब राम विलास पासवान ने 13 दिन में तेरही कर दिए थे, सीट पर से उतार लिए थे उनको, अटल जी को, आपको याद नहीं होगा? नहीं, मैं आपसे जानने आया हूँ क्योंकि जो चीजें मुझे नहीं पता है वो आपके माध्यम से होगा। 13 दिन में तरही किए थे और हमको यही जिद था कि अटल जी बैठे, मगर उस वक्त कौन बैठे थे? बीपी सिंह बैठे थे, वहाँ के मांडा के राजा बीपी सिंह बैठे थे। जब से मैं ये वचनबद्ध कर लिया कि मैं किसी के नाम पर वोट नहीं देता हूँ, सिर्फ मैं देता हूँ तो अटल जी के नाम पर, एक वोट उन्हीं की पार्टी है, बस उन्हीं को देता हूँ। तो पार्टी की बात करें तो पार्टियां और भी हैं जो कहती है कि अल्पसंख्यक हमारे हैं, मुस्लिम भाई हमारे हैं, वो जहां हम कहेंगे वहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब अपनी अपनी मर्जी की बात है, कहीं कोई नहीं जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम जिसको प्रधान समझते हैं अच्छा है तो ठीक है, नहीं पलट देते हैं, और विधायकी में तो हमारे प्रमोद जी चल, यही समीकरण लेके यहाँ के बहुत सारी पार्टियां मैदान में उतरी हैं कि मुस्लिम भाई कितने वोट हैं, एससी कितने वोट हैं, तो उसको आप तो बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक एक आप जेईफा से पूछ लें, बूढ़ियों से, वो सीधा कहते हैं कि योगी मोदी जी जो हमारे हैं महान पिता हैं, हमारे बच्चों का परवरिश कर रहे हैं, जो कि राशन दे रहे हैं इतने गरीब लोग को। तो आपके माध्यम से उन लोगों का ये संदेश है जो ठेकेदारी करते हैं समाज की, कि ये मेरे हैं जी, तो उनके लिए करारा जवाब है? अरे सब पूछे भैया, करारा जवाब है इसमें, तो मैं एक वोट के लिए हकदार हूँ जी। बिल्कुल, तो ये जनता की बात है, जब अपने मन की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। युवा साथी हमारे बड़ी हमेशा निकलते रहते हैं फील्ड में, कैसे क्या माहौल लग रहा है कि इस बार का जो साथी है, युवा लोग जो है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे? रामपुर खास की जनता पूरी तरीके से, जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, जिसकी चिंता कर रहा है, ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर 80 में 80 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा है। ये तो बात बिल्कुल आप कह रहे हैं, हर प्रत्याशी कहता है, लेकिन युवा है हमेशा रोजगार के पीछे भागता रहता है, उसके मुद्दे बना लेता है, बेरोजगारी को मुद्दे बना लेता है, उनको कैसे संतुष्ट करते हैं? देखिए, जब हमारा देश रहता है, जब हमारा संविधान जीवित रहता है, तब हमारे पास नौकरियां उपलब्ध होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इस बात से कहना चाहता हूं कि अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तभी हम परम वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मिशन जो जारी है, ये कहाँ तक चलेगा? ये 400 पार तक मिशन यह चलेगा, अनवरत चलता रहेगा। मैं आपके माध्यम से और सभी जो चैनल आपके जो आपके चैनल देख रहे हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं कि देश हित में, राष्ट्र हित में अपना अमूल चूर योगदान देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को पूरे तरीके से आगे ले जाएं और भारत को परम वैभव की ओर, जो भारत की संकल्पना है कि सोने की चिड़िया कही जाए, वह पुनः प्राप्त हो सके। क्या कहना चाहते हैं? 405 से लेकर 422 ये मेरा सर्वे है, सर्वे है, आम जनता भी सर्वे करने लगी है, और उनका सर्वे जो होता है बहुत अंदरूनी होता है, कि पकड़ उनकी अंदर की तक रहती है। तो जी बताएं, देखिए ए प्रधान जी है, भाजपा ही है, मगर जहाँ कह दू बेटा यहाँ चलना है तो वहाँ चलना है,
अब बताइए कंधे में कंधा अगर नहीं जुटा होता है तो हम हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाते। जी बिल्कुल बिल्कुल, ना बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बिल्कुल, अगर देश के लिए कोई सोचता है, देश है तो सब है, और अगर देश में है तो सब एक एक दूसरे के पूरक है और भाईचारे से सब कोई रहता है। कभी भी लड़कर कोई भी देश बड़ा नहीं बन सकता, इसलिए अगर आप कह रहे हैं संगठित होकर रहे तो उसी में भलाई है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैं ग्राउंड रिपोर्ट हर जगह से ले रहा हूँ, अगर मुझे आम जनता मिलती है उनसे भी मिलता हूँ, वहाँ के किसी क्षेत्र के कार्यकर्ता मिलते हैं तो उनसे भी मिलता हूँ, ताकि ग्राउंड रिपोर्ट आप तक दे सकूं और एक जो सर्वे होता है उस सर्वे से ज्यादा आपको हकीकत तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा आपकी जुबानी आप तक। हमारे चैनल साथ में बने रहेंगे तो अपने क्षेत्र की उन खबरों से आप रूबरू होते रहेंगे जिनसे आप अछूते हैं। और कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी उत्तर प्रदेश।